वाह, ये किस फूल की महक है? कितनी अच्छी खुशबू है। सखी, क्या तुम्हें मेरी जैसी बड़ी चोटी चाहिए? हाँ चाहिए। मुझे इतनी बड़ी चोटी के लिए क्या करना होगा? मेरी चोटी छू बस। इस गांव का नाम खोलर है। खोलर के जमींदार इंद्रदेव है, बहुत ही अच्छा आदमी। नगर के लोगों को अपनों जैसा देखता था। खोलर के लोगों को भी जमींदार के लिए बहुत ही प्यार और इज्जत था। इंद्रदेव जी को सिर्फ एक बेटी है, निकिता देवी। निकिता के बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इंद्रदेव के लिए उनकी बेटी ही सब कुछ थी। मल्लिक उनके घर में बचपन से ही माली का काम कर रहा था। मल्लिक निकिता को बहुत पसंद करता था, उससे प्यार करता था, मगर वो जमींदार की बेटी है, इसलिए उसे प्यार करने का हक नहीं था। इस कारण वो अपने प्यार को मन ही मन दबा कर रखा था। निकिता भी मल्लिक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वह अपने घर में काम करने वाले माली को पसंद करती है। अगर यह बात पिताजी को पता चले तो उन्हें दुख होगा, इसलिए मल्लिक के लिए जो प्यार था वो उसे अपने मन में ही दबा कर रखी थी। ऐसे में उस नगर से दूर पर एक घना जंगल था। नगर की कुछ औरतें लकड़ियां चुनने और मर्द लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में जाते थे। मगर एक दिन क्या बात है भाई? साहब, मेरी बीवी जब से जंगल से लौटी है तब से बिस्तर से उठ नहीं रही है। अरे घबराओ मत, मैं वैद्य जी को भेजूंगा। साहब, ये कुछ अजीब बीमारी लग रही है, पूरे बदन में बाल आकर वे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कुछ अजीब सा लग रहा है, वैद्य जी के साथ मैं भी आऊंगा, ठीक है? इस प्रकार जमींदार जी भी वैद्य जी के साथ मिलकर उस बीमार औरत को देखने के लिए गए। जमींदार जी, मेरे जिंदगी में इस प्रकार का बीमारी ना मैंने देखा है या फिर सुना है। असल में वो कौन सी बीमारी है यह समझ में नहीं आ रहा। वो तो होश में ही नहीं है, जिंदा लाश की तरह है। अरे आप ही ऐसे कहेंगे तो कैसे होगा? पास के ही गांव में एक वैद्य जी है, देखते हैं शायद वे बचाव सकेंगे। उनको खबर भेजता हूं। कई वैद्य आए और गए, मगर कोई भी उस बीमारी को कम नहीं कर पाया। ठीक 21वें दिन वह सूख कर एक कंकाल की तरह हो गई और मर गई। इस प्रकार पड़ोस गांव में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। पता नहीं ये कैसी बीमारी है, सोच के सभी लोग डर रहे थे। जंगल में लकड़ी काटने के लिए जो मर जाते थे उनको कुछ नहीं होता था, सिर्फ औरतों को यह बीमारी हो रही थी। एक दिन पड़ोस गांव के सरपंच परेशान होकर आए। जमींदार जी, मैं अभी अभी राजधानी माड़वा से लौट रहा हूँ, आपको एक बात का सूचना देने के लिए आपके गाँव आया हूँ। ऐसी कौन सी खास बात है? हमारे राजा की पत्नी यमुना देवी जी को कुछ अजीब सी बीमारी हुई है, पूरे बदन में बाल हो गई है, आंखें बिल्कुल नहीं खोल रही है। कई सारे वैद्य जी के देखने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अरे बाप रे, वो बीमारी रानी जी को हुई है? अब तो रानी जी को भगवान जी ही बचा सकते हैं। हाँ, इन 6 महीनों में
जंगल के पास के सारे गांव में इस बीमारी से पीड़ित कम से कम 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। हाँ, इसलिए मैंने उस जंगल में औरतों को जाने से रोक लगाई है। तब से हमारे गांव में किसी को भी वो बीमारी नहीं हुई है। एकदम अच्छा किया। शायद उस जंगल में ही कोई राज की बात छुपी हुई है। हाँ, रानी जी भी उस जंगल में वन यात्रा करने के बाद उस रोग की शिकार हुई है, इसलिए राजा जी उस बीमारी का इलाज पता लगाकर महारानी को बचाने वाले को एक नगर का राजा बनाएंगे और राजकुमारी के साथ विवाह भी करवाएंगे। सुनिए सुनिए, उस बीमारी का मूल कारण उस जंगल में ही है। उसके इलाज का पता लगाने वाले को एक नगर का राजा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह और 18 बड़े बड़े सम्मानों से हीरे ज्वारात उपहार के रूप में देने वाले हैं। हिम्मत वाले, जागो हो, जागो हो। वो तकदीर वाला कौन है जो एक नगर का राजा बने? अगर उतना तकदीर वाला बनना हो तो बहुत ही हिम्मत और साहसी होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। सरपंच जी यह बातें बताकर चले गए। ढिंढोरा सुनकर उस आसपास के राज्यों के युवक कई लोग उस जंगल में गए। लेकिन कोई भी बीमारी का कारण या फिर उसके इलाज के बारे में पता नहीं लगा सका। इतना ही नहीं, कुछ युवकों का अता पता भी नहीं था। 10 दिन गुजर गए थे और बस 11 दिन बाकी थे महारानी को बचाने के लिए। मल्लिक, क्या तुमने ढिंढोरा सुना? सुना ने किता जी। तो तुम कोशिश कर सकते हो, एकदम से एक नगर का राजा बन जाओगे। इतनी अच्छी बात है ना, राजकुमारी से शादी कर सकोगे। मुझे क्यों निकिता जी राजकुमारी? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वही मेरे लिए राजकुमारी है। मैं तो यूं ही कह रही थी, कोई कितने भी कहे तुम उस जंगल में मत जाना, तुम्हें मेरी कसम है अगर तुम वहाँ गए तो। ऐसा कहकर निकिता वहाँ से चली गई। अगले दिन पिताजी के साथ पास के गांव में सरपंच जी की बेटी की शादी थी। तभी बीच रास्ते में टांगे का पहिया टूट गया। कोई चारा ना होने के कारण टांगे वाले को वापस गांव भेज दिया गया। बेटी, जब तक गाड़ी वाला नहीं आ जाता गाड़ी के अंदर ही आराम करो, मैं नीचे रहकर निगरानी करूंगा। सावधान, गाड़ी से उतरना मत। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर निकिता सो गई। गाड़ी के पास में ही जमींदार जी निगरानी कर रहे थे। काफी समय हो गई, अभी तक गाड़ी वाला नहीं आया था। अंधेरा हो रही थी। जमींदार जी भी पास में ही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। जंगल की राह पूरा अंधकार, उल्लू की आवाजें आ रही थी। इतने में निकिता को अच्छी खुशबू आने लगी। दूर से बालों में लगी कुंजल की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस खुशबू की वजह से निकिता की नींद खुल गई। आहा, कितनी नशीली है ये महक, कौन से फूलों की है? ये सोचते हुए गाड़ी से उतरकर जहां से वह महक आ रही थी उस ओर जाने लगी। जंगल के अंदर जाते ही उस लंबी सी चोटी को देखकर निकिता बहुत खुश हो गई। कितनी सुंदर है उस लड़की की चोटी, लंबा सा, घना सा, उन फूलों की महक, बालों में मोगरा, कितना सुंदर। सखी, क्या तुम्हें मेरी जैसी लंबी चोटी चाहिए? हाँ चाहिए, मुझे इतनी लंबी चोटी के लिए क्या करना होगा? मेरी चोटी छुओ बस। ये
थोड़ी देर बाद जमींदार जी और गाड़ी वाला निकिता को खोजते हुए वहां पर आए, आकर निकिता को घर ले गए। निकिता अपनी आंखें खोल नहीं रही थी। मैंने कहा भी था गाड़ी से मत उतरना, मत उतरना। जब मैं नींद से जागा तो जंगल में बेहोश होकर पड़ी थी। जमींदार जी, ये वही बीमारी है और 21 दिनों के भीतर कोई ना कोई इसके इलाज के बारे में उस जंगल में पता लगा कर आओ, वरना मुश्किल होगा। ऐसा मत कहिए, आपको ही किसी भी तरह मेरी बेटी को बचाना है। वहाँ पर महारानी की हालत भी ठीक नहीं है। 21 दिन गुजरने में अब सिर्फ 8 दिन ही बाकी रह गए हैं। राज वैद्य ही कुछ कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुनकर मल्लिक को निकिता की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। बिना आगे पीछे सोचे उस जंगल की ओर जाने लगा। बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके गया, पर उस बीमारी के इलाज के बारे में कुछ भी पता ना चला। तभी उदास होकर एक पेड़ के नीचे वह बैठ गया। अरे, मेरे जान से भी प्यारी निकिता को कैसे बचाऊं? ऐसा सोचते हुए नींद से चला गया। इतने में कहीं से कुछ आवाज सुनाई दी। उठकर उस ओर गया। कुछ दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक दुबला पतला सा दादाजी थे। दादाजी जिंदगी और मौत के बीच में थे। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ है? क्या चाहिए? बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाकर देना बेटा। मल्लिक भागता हुआ गया और पानी लाकर दादाजी को पिलाया। अब थोड़ी सी ताकत आई। कहो बेटा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? मल्लिक ने दादाजी को सारी बातें बताई। तुम्हारी बताई हुई बीमारी बहुत ही अजीब सी है, मैंने कभी कहीं पर नहीं सुना। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। असल में क्या हुआ है बताने के लिए पीड़ित लोग होश में नहीं आ रहे दादाजी। ठीक है, तो फिर तुम पूरब की ओर 4 मील चलो। रास्ते में तुम्हें व्रति नामक पौधे की लताएं पौधे से लटकते हुई जमीन पर फैलती हुई दिखाई देगी। सावधान, यदि वे तुम्हारे सर से लगने से या फिर उसके ऊपर से तुम्हारे जाने से तुम अपने गुजरे दिनों को भूलकर पागल होकर कहीं भी चले जाओगे। उस प्रकार कई युवक इस जंगल से गायब हो गए हैं। उन लताओं को काटकर आगे बढ़ो। वहाँ पर तुम्हें एक नीम के पेड़ पर आत्मबलि नामक लता झूलती हुई दिखाई देगी। उसे कैसे पहचानूंगा दादाजी? उसकी पत्ती हृदय के आकार में होगा, चिपने से खून की तरह निकलेगा। उन पत्तों को पीसकर पिलाने से उसमें आ जाएगी। इसका मतलब मेरी निकिता जिंदा हो जाएगी दादाजी? नहीं, सिर्फ होश में आएगी, जान का खतरा रहेगा। होश में आने के बाद उससे पूछो कि असल में क्या हुआ है, तब मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। जल्दी जाओ। दादाजी के मुताबिक ही उन लताओं को काटकर अमृतबलि पत्तों को ले जाकर उसका रस निकाला और निकिता को पिलाया। निकिता होश में आ गई। निकिता के साथ उस रात में जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें बताई। ठीक है, इन पत्तों की रस को जल्दी से महारानी के पास भेजिए। महारानी को बचाने के लिए सिर्फ 2 घंटे मात्र हैं। मैं जाकर इसके इलाज के बारे में पता लगा कर आता हूँ। ऐसा कहकर जंगल में दादाजी के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताई। अच्छा, तो वो भूतनी अपने बालों से फंसा कर उस चोटी को छूने वाले के शरीर में प्रवेश करके दिन व दिन थोड़ा थोड़ा करके उनके शरीर को खा रही है। 21वें दिन उन्हें मार डाल रही है। अब कैसे दादाजी, उसके चंगुल में आए लोगों को कैसे बचाए? इस घर के बाहर एक बरगद का पेड़ है, उसके तने में एक नर कंकाल है। उसे लेकर चंदन की लकड़ी से जलाओ, सिर्फ एक हड्डी राख में नहीं बदलेगी। उसे लेकर आओ। क्या करना है बताऊंगा। दादाजी ने जैसा कहा मल्लिक ने वैसा ही किया। एक लंबी सी हड्डी बिना जले ही जैसे का वैसा था। आश्चर्य की बात यह थी, मल्लिक उस हड्डी को ले गया। दादाजी, ये कितने आश्चर्य की बात है, आग में ना जलने वाली हड्डी, ये हड्डी किसकी है?
हाँ नहीं जलेगी, यह मेरी बीबी की कंकाल है। मैं और मेरी बीबी हम लोग तांत्रिक थे। वो महादृष्ट उपासिका है, बहुत बड़ी तांत्रिक थी। उसके मृत्यु के बाद हमारे गांव वाले अंतिम संस्कार भी करने नहीं दिए और मुझे निकाल दिए। उसके शव को लेकर इस जंगल में पहुंचा हूँ। जैसे तैसे इस जंगल में ही रह रहा हूँ। मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन दहन संस्कार किए बिना उस कंकाल को क्यों रखे थे? मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि उसे चंदन की लकड़ियों से जलाया जाए। लकड़ी काटने की ताकत मुझ में नहीं है, इसलिए पेड़ के तने में उसके शव को छुपाया है। तुम्हारी वजह से आज उसकी इच्छा पूरी हुई। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा? दादाजी सारी बातें बताकर भेजे। मल्लिक निकिता के बताए गए जगह पर पहुंचा। बहुत अंधेरा हो गया था। अच्छी महक जिस ओर से बालों की कुंजल की आवाज आ रही थी उस ओर जाने लगा। हाथ में तांत्रिक दादी की हड्डी की वजह से वो भूतनी पीछे पीछे आने लगी। वह उसे लड़की सोच रही थी। उसके पास आकर, सखी क्या तुम्हें मेरी जैसी लंबी चोटी चाहिए? मेरी चोटी छू बस। भूतनी जैसे ही नीचे गिरकर मरी, वह महारानी को होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। निकिता के साथ साथ और जो भी लोग भूतनी के चंगुल में थे वे सारे लोग ठीक हो गए। कहे मुताबिक ही रानी को बचाने के कारण मल्लिक को एक नगर का राजा बनाकर बड़े बड़े 18 सम्मानों से हीरे जवाहरात देकर सम्मानित किया गया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए कहा, मगर मल्लिक के दिल में निकिता थी, इसलिए राजा के समक्ष में जमींदार जी की अनुमति से बड़े ही धूमधाम से निकिता के साथ शादी की और खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।